सोशल मीडिया पर सीएम शिवराज सिंह के खिलाफ अफवाह फैलाने वाले कांग्रेस नेता को गिरफ्तार कर लिया गया है। सामाजिक प्लेटफॉर्म पर सीएम को बदनाम करने के चलते पुलिस ने कांग्रेस नेता अर्जुन आर्य को कब्जे में लिया है। शेयर किए वीडियो को कांग्रेस नेता ने बुधनी विधानसभा का बताकर शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ जमकर जहर उगला है और मुख्यमंत्री के शासन पर सवाल उठाए हैं। जांच में पाया गया कि शेयर किया गया वीडियो बुधनी का नहीं। वीडियो में आप देख सकते हैं कि एक शख्स ट्रैक्टर के आगे खड़ा है और ट्रैक्टर चालक शख्स को कुचलते हुए दिखाया गया है। इसको शेयर करते हुए लिखा गया है कि ये वीडियो सीएम के विधानसभा क्षेत्र का है, जहां पर सीएम के अपराधी दोस्त सरेआम लोगों को मौत के घाट उतार देते हैं। यही शिवराज का असली चरित्र है। ये तथाकथित कलयुग का मामा अपनी तमाम नौटंकियों से जनहितैषी होने का ढोंग करता है। असल में ये कलयुग का मामा भगवान कृष्ण के मामा से ज्यादा भयंकर पापों को अंजाम देने वाला है। ये भयंकर दृश्य शिवराज के लुटेरे नर्मदा रेत चोरों का आए दिन देखने को मिलता है। अब समय आ गया है कि इस कलयुग के मामा पर जनतांत्रिक तरीके से जनता जनार्दन प्रहार करे। अर्जुन आर्य की गिरफ्तारी हुई है। अर्जुन आर्य हमीदगंज तुमड़ी के हैं। कल इनके द्वारा एक भ्रामक वीडियो डाला गया था, जिससे क्षेत्र के लोगों में भय एवं डर का वातावरण बना और असत्य वीडियो डाल करके और ये भ्रम आम जनता में पैदा कर रहे हैं। ये आपराधिक प्रवृत्ति के हैं। इनके खिलाफ़ पहले भी इस तरह का एक प्रकरण यहीं ना थाना नसरुल्लागंज में है, दर्ज है, और पहले भी अधिकारी कर्मचारियों से एमपीबी के मारपीट के और अन्य 5 प्रकरण हैं और प्रतिबंधक कार्रवाई से 6 प्रकरण के खिलाफ दर्ज हुए हैं। तो उसमें प्रकरण दर्ज हुआ था और उस प्रकरण में आज इनके विरुद्ध गिरफ्तारी का कार्रवाई। आगे क्या कार्रवाई की जाएगी सर? माननीय न्यायालय में पेश किया जाएगा, माननीय न्यायालय का जैसा अग्रिम आदेश होगा। ठीक सर, थैंक यू। कांग्रेस नेता इस वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल कर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के ऊपर सवाल उठाए हैं। उनकी सरकार को कटघरे में खड़ा करने का काम किया। पुलिस ने अर्जुन आर्य को भ्रामक खबर फैलाने और मुख्यमंत्री की छवि को धूमिल के चलते गिरफ्तार कर लिया है, जहां उसे कोर्ट में पेश किया जाएगा। आपको बता दें कि इससे पहले पूर्व सीएम कमलनाथ और पीसीसी चीफ कमलनाथ भी सरकार के खिलाफ फर्जी पोस्ट कर चुके हैं, जो जांच में झूठा पाया गया था। पंजाब केसरी टीवी के लिए सीहोर से अमित शर्मा की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।